ऑफिस दे विच सिर्फ इस काम लिए आयो दवाई अपन सर हम फिल्मों में काम करना चाहते हैं हम एक्टर बनना चाहते हैं ट्राई देना है सर सानू एक्टर बना रहे हो तो भी एक्टर बनना है जी जी पहले कोई भैन काम करती सी फिल्म में नहीं करती सी ना नहीं भी करती फिर तुसी भी नहीं कर सकते अच्छा जी मन शाहरुख बना दियो हां जी शाहरुख बना दियो दसन हां जी जे तेरा रंग चिट्टा हुंदा ना मैं जो तन्नू बनाना सी ना अच्छा टर्मिनेटर बनना चाहता हूँ सर टर्मिनेटर ताकि तेन दर्द ना हो डायरेक्टर आप बना सकते डायरेक्टर नहीं मैं प्रोड्यूसर हाँ मैं फिल्म बना रहा और मैं फिल्म महंगी बना रहा गरीबा ने नहीं बना रहा चलो आप फिल्म बना रहे हैं इन्नी गुरबत है तेरे ते घर बना अपना पहले हाथी मेनू मार देगा तो मैं की करूंगा कहते नखत्री औरत है बच्चिया बदतमीज पता नहीं कितों आ जाते देखो राइटर नु टाइम दिता सी हाले तक राइटर नहीं पहुंचिया की बनेगा और ना कोई दफ्तर चपड़ासी कितने मर गया ट्रैक्टर ਨਾਲ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੀ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਓਹੋ ਫੋਨ ਵੀ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਆਇਆ ਓਏ ਓ ਬਦਤਮੀਜ਼ੋ ਓ ਗਾਂ ਸੁਣੋ ਓ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਹੀਰੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਪੜਾਸੀ ਉਹਨੂੰ ਹੀਰੋ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ मैं कह रहा फिल्म इंडस्ट्री जिहड़ी है इहदे बुरे हालात बुरे दिन मैं फिल्म इंडस्ट्री का रैवल चाह रहा रैवल ताकि अच्छिया फिल्मा बनन अच्छी अच्छी फैमिली आए अच्छे अच्छे लोग आन आके फिल्मा वेखन माशाल्लाह बस हीरोइन जिहड़ी है एक नहीं तीन हीरोइन होणगियां मैं एक हीरोइन पानी नहीं क्योंकि एक हीरोइन चंगी लगती नहीं एक हीरोइन वेखण लई ते पंज बंदे आने ज्यादा बनाने लई अच्छा राइटर होना चाहिए अस्सलाम वालेकुम राइटर आ गया ख्याली राइटर आ गया मैदान च ख्याली मेरी गल सुन सर तैनू मैं टाइम की दिता सी सर तुहानू पता है पाकिस्तान दी ट्रैफिक इस वेले बल्कि लाहौर दी ट्रैफिक इंजे कि जिवें पागलां नू छुट्टी होई हुंदी इशारा इधर लाया जाण इधर जाए ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਾ ਸੁਣਾ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖਿਆਲੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਆ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਾ ਲਓ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਕਰੇ ਐਡੀ ਚਮਕਦੀ ਟੈਂਟ ਲਾਈਟ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਕੌਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ अपने पैरां ते खड़ा कर सकना अगर तुसी पैसा लवो ऐसी कहानी कदी देखी ना सुनी देखो मैं पैसा लाने च मैनूं कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। लेकिन स्टोरी ऐसी होनी चाहीदी है कि चेंज चेंज होएगा टोटली डिफरेंट बिल्कुल डिफरेंट हाँ फ्रेम खुले है हाय हाय तो तड़ को फ्रेम नहीं खुले है एज करके फ्रेम खुले है लेकिन हीरो नु बुलाओ मैं उन्हें सुनावांगा कहानी हीरो नाल टाइम सी हीरो नाल टाइम सी ख्याली साहब एथे हर बंदा लेट है हर बंदा लेट पहुंचदा है मैं तानू कहानी सुनाना चाहता हूं पता नहीं टंगे जांदे ने कोई गल नहीं कोई गल नहीं आ जांदे ने ये शुक्र है आ जांदे ने इन्हां दी आना ही सब कुछ है एंड करके फ्रेम खुले है हीरवन बाग दे विच खलोती है हीरो आया बाहरों ਕੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਗੜ 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 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹਿਰਮਨ ਨਾਲ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿਰਮਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦਗੜ 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 ਹਿਰਮਨ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਦਗੜ ਦਗੜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੀਰੋ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੀਰੋ ਯਾਰ ਹਿਰਮਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਹੀਰੋ ਫੜਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀਰੋਇਨ ਤਾਂ ਹਿਰਮਨ ਫੜੇ
यार तुहाडे खानदान की गल हो रही, कहानी की गल हो रही। ख्याली साहब ए वेखो ए हीरो ने हां ए ने फड़िया है हाय ते हीरो करेगा तगड़ तक तगड़ तक तगड़ तक इधर तगड़ तक हां तगड़ तक ठीक है हां ओके ठीक है एंज करके दोवा दा गाना चलिया वाह हाथ 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 पहने वाह ओने हीरो नु एंज करके घुमाया हाय ते गाना उन तो ओवरलैप होया केड़ा तगड़ तक ओथे विलन आया हुन कह बेगरता तू मेरी बहन दे नाल रंग रलियां मना रहे है मैं तेनु गोली मार देंगा और एंड करके पिस्तौल कड्डी है फायर कीता है ते विचो आवाज आई है तगड़ तगड़ आवाज तो बाद असि कट करके राइटर दे कान गए हां हां ते ओदी बहन निकली है तगड़ 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 ओदी बहन गई है तगड़ तगड़ अगे की वेखे कि होर औरत जा रही है ओने राइटर दी भैण नु अपने नाल घोड़े ते बिठा लिया ओने कहा तू कौन है ओने कहा मैं ओही प्रोड्यूसर दी भैण आ जेड़ी एक बंदे ने नस गई सी दगड़ 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 ओ नसी सी किसे दगड़ दगड़ दे पुत्रा तादी फिल्म बनन दई आ फिल्म दा नाम की दगड़ दगड़ होना सारे यार मेनू चेंज स्टोरी चाहिदी है मैं इंग्लिश हीरो लेना चाहना इंग्लिश लड़की इंग्लिश हीरो और फिल्म भी अंग्रेजी टाइप इंग्लिश फिल्म हां इंग्लिश हीरो तो इंग्लिश कुड़ी यस और लोका को जूतियां ना खावी क्यों वजह इथे वो फिल्म नहीं चलती इथे तो फिल्म चलती होवे तो पता याद है पुराने वक्ता च जो इथे वही फिल्म चलती आ ओ फिल्म चलती आ ते लोकी चदरा ला के बैंदे आ ओ यार उना दी मेनू की पता होए चंद्रा च की होण दे आंदा मेनू जरा तू मुंह दे के ते वे दोनों भरा लगता एक दूजे वाल हथ गया मानना सारे ड्रामा वेखना है ने तुसी लगता करो पाथियां लेना है अल्लाह खैर करे चेंज 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 मैं चाह रहे अपना कल्चर दिखाओ लोगों नू ना इंडिया दी छाप लाओ ना इंग्लिश दी छाप लाओ जो साडा कल्चर है वहाओ पिंड वहाओ साग वखाओ हांडी वखाओ भाई पिंड वहावांगे हवेलियां वहावांगे असि सब कुछ दिखावांगे लेकिन मॉडर्न तरीके नाल ओके यानी कि गड नहीं होएगी ठीक है ट्रैक्टर नहीं होएगा ओके लैंड क्रूजर प्राडो हीरो अपने लेकिन हमायों मजीद लेना चाहिए लेकिन ए मेरी लाइन नु नहीं समझ आज कल लोकी हमायों मजीद नु वेख रहे ने उनका वैसे खलोता रहा कर सड़क पे यार फिल्म च देख मेरी गल सुन हमायों मजीद दा सिर्फ ना लिख दो ओके लोकी फिल्म हथो हथ वेख जान आप फोन कर करके कह रहे हैं सर को शुरू कर लो फिल्म सर मुझे कब ले रहे सब कब बना रहे आप ही कही जा रहे हैं यार मेरी समझ आ रही आज कल जरा मैं सुनाना चाहना तानू कहानी ओ यार तेरे को कपड़े नवे बनदे नहीं कहानी किथों नवी बनानी तू साले ओए दरबारां ते कवालियां करन वालियां बास्केटां पा के फिरी जान दे नहीं 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 अजे भी दाता साहब उथे लाइन च लगा हुंदा चौल मांग के खांदा है राइटरां दी तो मैनूं समझ नहीं आंदी मान नाल इहनां को आप दुध पत्ती जोगे पैसे नहीं हुंदे ते लिख दिंदे ने कि घर नूं अग लगी लख लैणा तो यार को गल यानी एडे बड़े ਇਹਦੇ ਵਾਲੇ ਰਾਈਟਰ ਦੀ ਬਿਸਤੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਰ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਪਣੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਐਮ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਖਿਆਲੀ ਖਿਆਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਿਆਲੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਖਿਆਲੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫਿਲਮ ਕੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਬੇਖਿਆਲੀ ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀਆ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੋ ਸੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਈ ਐ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਉਹਦੇ ਚ ਹਮ ਦਿਲ ਦੇ ਝੁਕੇ ਸਨਮ ਇਹ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਤੇ ਲੈ ਲਮਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦਾ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ
यार बड़ा बड़ा ट्रैक्टर रहा है तेरे पा दा बोले दूरों इंजन आता ना सवार रखी ओ यार तू फिल्म लेनी है या बोल लेना है ओ मेरी कल सुनो सारी फिल्म ही बोल शेट होनी है देख लेना तुझे ए पता मैं पहले कह रहा हूं राइटर नवा लवो कोई ऐसा शायर लवो आज जेड़े कोई पुराने शायर हुंदे सन ना इना दी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं सी हुंदी पहले हां हां ये जिन्ने भी गाने लेते सन सारे हड्डी साड आ देखिया राणा साहब मेरी गल सुनो बड़ा वड्डा राइटर है और नहीं वड्डा मुंडा कोई है नहीं 60-70 साल दा होएगा उस तरह वड्डा राइटर कोई नहीं 34 फिल्मा हिट दित्तियां इस पाकिस्तान च मैं 34 34 34 34 ते सारी नी कहानी इक्को ही केड़ी कहानी इक्को सारी नी कोई कहानी ओए ओ मेरा तखल्लुस है सिर्फ ओ इक्को जे है यार स्टोरी सुनाओ तुसी हीरो ते हीरवन राणा साहब एक बारी दिल ते हाथ रख के सुनो हीरो ते हीरवन बाग दे विच बैठे ने हाय हाय वाह नवी कहानी जुतियां खान वाली बनाना चाहने फिल्म यार तू भी कोई फिल्म सुना मिनट तो पहले मैंने तो मुतमिन करना कहानी सुना तो लाइन सुना नवी जायदाद मेरे को भी होंदिया मेरे को दुनिया मेरे भी पहला च डिगदी मैं अमीर हुंदा मैं अपनी मां लई कुछ नहीं कर सकता मेरी मां लोकां दे घरां च भांडे मांज रही है जग मांज रही है मोठले जग मांज रही है बस बस ऐ स्टोरी तेरी हां बकवास है कोई नवी सुना ओ चीज गालियां अजे तक समझ नहीं आ रही देखो गाना भी इंजे लिख लेंदे ने शायरां नूं पता हुंदा है इस तरह होना तो है नहीं हां लिख देंदे ने बैठे बहुत खुश होंगे मैं अंब चूपन ले गई बाग में फड़ी गई बंदा पूछे तेनू जो पता माली एह जे है तू 2.5 किलो अंब घर ले आके चुपा ला उन्हू फिल्म इंडस्ट्री का बेड़ा करक इसे लिए होया के सिचुएशन कोई हो रहे गाना कोई हो रहे मैं चाह रहा फिल्म ऐसी बने के लोकी एक बार कह वाह क्या बात आप कुछ करने के लिए इस फिल्म में आपको थोड़ा सा अपनी आवाज को भी चेंज करना है वेरिएशन वाला रोल है ये इसमें ये नहीं है कि आपने बस उसी तरह फ्लैट फ्लैट बोलते रहना है पहले किसी फिल्म में फ्लैट बोला हूं वेरिएशन ही देता हूं तो लोग कहां वेरिएशन है वेरिएशन गरीब बना दो यही आवाज अमीर बना दो यही आवाज रोना है तो इसी आवाज में शादी है तो इसी आवाज में डायरेक्टर साहब वेरिएशन डायलॉग्स में होती है आवाज में नहीं होती शुक्र है आपके राइटर साहब की बात स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ ख्याली बहुत बड़े राइटर है लाइन भी बहुत इनके पास अच्छी अच्छी वाह 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 लो जी ये दा सीन जेड़ा मैं लिखे है ना ओ फाइनल है इन भी पसंद आएगा डायरेक्टर साहब भी पसंद सुने एक मिनट ये राइटर है जी जी नहीं लक्ष्मी चौक मेरी पावे की दुकान
क्या हो गया यार इन्हू पता ही नहीं ख्याल इन कह रहे अपनी आवाज वेखी साहब कहना है योजे रोजे का ऐलान कर देने सारी का वक्त खत्म होने में 5 मिनट बाकी है पाकिस्तान दे एक्टरां दी तुसीं ते मैनूं आप क्या सी कि असीं मिल के बनावांगे मैं तुहानूं पहले क्या सी टिकटॉक तो मुंडा कुड़ियां ले लो मैं तुहानूं कह रहा नवे मुंडे ले लो इन्हां ने इस तरह टाइम करना ही ना इन्हां ने फिल्म बनानी है ते ना इन्हां ने बनन देनी है बंदा ही मेरे लड़न लग पे जी कहती बाबा जी सियालकोट तो तुम सियालकोट वाले दफा करके बागड़िया ले लो दुनिया तो वाद पई है वह भैन बागड़िया ली तो ले लीए हाँ फिर वह प्यो लैना पैना यूसुफ पठान सारे छोड़ो फिर प्रोड्यूसर भी आके गएगा तो चिट्ठी डायरेक्टर साहब ये वक्ती फेम है टिकटॉक का आप स्टारिज्म को फॉलो करें देखिए स्टारिज्म को हम लोग फॉलो नहीं कर सकते वो क्यों स्टारिज्म के जब तक अंदर एक अपना झुकाव नहीं होगा ना अदब नहीं होगा फिल्म को काम करने के लिए अदब नहीं करेंगे फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत नहीं करेंगे तब तक इनका काम नहीं हो सकता अब क्या अदब करूं आपके पाँव में बैठी हूँ पाँव में जब देखो दरख्त जरा जिन्ना चुकता उन्ना ही फल लगता है बिल्कुल तुम जिन्ना उत्ते जाओ तुम उन्ना ही चुको ताकि तुम होर इज्जत मिले हमारे लोगों के आंकड़े नहीं आ जाती है तो तुम इंज करके उन्हें मुझे टूट जाते हो देखिए मुझे वर्ल्ड जानता है आपको जानता है तो जानने में क्या है मशहूर तो कोई चीज भी जल्दी मेट्रो मिलन अगरबत्ती की मशहूरी देखी हाँ देखी बिल्ली किन्नी मशहूर सी की कर लिया उन्हें मशहूर तो बिल्ली भी हो जाती है राणा साहब हमायूं साहब चुक जाओ जो मजा चुकन की जेन डायरेक्टर ने बना के रखी थी डायरेक्टर ने बना के रखो कि डायरेक्टर ने जो हीरो ने जेन बना दूंगा डायरेक्टर ही जो बंदे जीरो कर दूंगा क्या बात क्या बात तो एक्टर की कोई वैल्यू नहीं कोई वैल्यू नहीं मेरी मेहरबानी है फिल्म देखी है देखी है हीरो मर गया सी ना हाँ अगो सारी फिल्म कुत्ते ने चलाई सी इनू कहंदे ने डायरेक्टर फिर इनू कटो कुत्ता ही पाओ आओ आओ राइटर ही करेगा काम यार सीन एक सुन लवो जे इन्हें ना पसंद आए तो फिर गल सुन ना ना डाकू दा रोल यार एक मिनट ठहरे वो हीटिंग तो मंगवाए हीटर ही नहीं है आपके ऑफिस में हां हीटर ही नहीं है ओए होए होए यार एदा ही एक दूजे नु हाथ उतला के गर्म हो बस नहीं 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 फिल्म तो यार इन घबराओ ना ओते मैनेजर दा अपना बेड़ा कर को आवे हां चल वो आ पई फिरंडिया उन कौन के हाल दे तो बड़ी ठंड है आहो यार वाकई साले अगो क्या कोई हीटर लवा दे डाकू दा रोल है डाकू दा एक मिनट भाई माजी तुसी शूट करना जे ए डाकू दा मैं सीन सुनाना जे फिल्म छड़ के टोजे मैनु पड़ लेना अच्छा वैसे फिल्म अच्छी है हां तेरा डाकू दा रोल है फिल्म में ओके डाकू दा तेरा रोल है ते तू घोड़े ते आना ते को राइटर साहब तेरा लाइनें सुना डाकू है तू घोड़े ते आ रहे तगड़ 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 चू चौंक चाया ए करो तेरे घोड़े ना बजी है की होया तू चौंक चाया आप डाकू है आप घोड़े पे बैठ कर आ रहे हैं वेरी गुड इंज सुना मैं तेनू इस तरह सुना मेरी अम्मी का मुंडा तू आप घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं ओके उर्दू में यार तो आपने वेरिएशन में सुना ना वेरिएशन में सुना कि तू डाकू है तो डाकू घोड़े पे आ रहा है दूर लॉन्ग तो सी कैमरे तो ले आ के डाकू आ रहा फोकस टिक 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 के मिट्टी उड़ा जदी वा टिक 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 होंगे चल आप भैन पेश कर ला जिवें तेरा घोड़ा बन जाए मैं फिल्म बनानी है मैं
है नहीं चाह रहा कि तुम अपन भैन पेश करो, तुम फिल्म बनाओ यार। लॉन्ग शॉट खुले है जी। ठीक है, तू घोड़े से बैठा रहे हैं। हाकू डाकू है, पूरे सत पिंड तेरे को डरते ने, तेरी आवाज और तेरे ना तो लोग अपनी माँ बच्चियां नु कह के कहंदियां ने सो जा बच्चे सो जा, वरना हाकू डाकू आ जाएगा। तू घोड़े ते है तगड़ 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 तगड़, चाल च तेरा घोड़ा है, एक करो तेरे घोड़े ना बच के ते डिगी गए। हाय हाय, ऐ मुंह तेरे मुंह डिगी गए। ते तू मनु क्या है कि तू मेनू नहीं जानती यार, ते के तू कदे घोड़े नाल बचिए औरत ने तेरे मुंह नहीं किया। उन्हें कहा जे मैं तेन अपना तारफ कराया ते हाकू डाकू तू किसी नु मुंह वहां जोगा नहीं रहेगा। तू थले उतर के क्या तू कौन है भाई, मैं तेन नहीं जानता। उन्हें कहा बहुत अच्छे हाकू डाकू, आज अपनी जमन वाली मां नु भूल गया। कोई चंगा नहीं समझदा, ना ओनू कोई अपने बर्तन मांजन दिंदा, ना ओनू अपने घर च कोई सफाई दिंदा। तेरी वजह तो मैं तेरी मां वा, मैं तेरी मां वा, तेरी जमन वाली मां, ते तेरी वजह तो पूरे सत्ता पिंड ने मेरा बायकॉट किया। मां खलोंदी कोने टोड़ फिरन वाली मां नहीं करांगी तू बगैरते, तू कुत्ता है, सानू मैं माफ नहीं करांगी, नहीं करांगी, नहीं करांगी, नहीं करांगी, नहीं करांगी। वाह, ये क्या कर रहे हैं? ए माँ दी माँ दी ममता जड़ी है ना तेन चिमड़ रही है। मैनू कसम कसम चुका लो मैं नहीं किया, मां ने किया। मां जज्बाती सी, मां ने कपड़े पाड़ दिते। वाह वाह वाह, कैसी रही है फिल्म? ए नहीं बनानी, ये फिल्म नहीं बनानी। ना ना ना, लोकी लव सीन। अच्छा ये फिल्म नहीं बनानी, ये फिल्म नहीं बनानी। नहीं नहीं, तो पहले क्यों नहीं कहा मुझे, क्यों सुनाई फिर? मैं कह जरा कुर्ता तू बड़ा चंगा पाया है ते फाड़ देगा। अच्छा को तेरे को और कहानी है? हाँ, जा कपड़े बदल गया। मुझे नहीं सुनने यार। अगला लव सीन। ओ यार रहने दो यार। मुझे पाला प्राप्त से पाला। मैं से माफी चाहता हूँ हीरो भाई। इधर तो कोड पाला। अब आइयो मजीद है। इधर तो कोड पाला। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे पता नहीं था आपने नीचे शमीज नहीं पहनी हुई। यार बता दा। किसी को पता नहीं लगना थले गिरेगा। यार ये देख लो यार, इस तरह थोड़ी होता है। अरे कुछ नहीं होता है हमारे भाई, क्या हो रहा है? और जरा भी बंदा है ना, तू ए पासे नहीं आंदा किसी को, ऐसे करी जाना है। ओके, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, जानते हो? लंबी छलांग लगाने के लिए दो कदम पीछे जाना पड़ता है, फिर ही बड़ी छलांग लगती है। क्या इस तरह हो? ओके, दूसरा सीन सुना मैं। कतल कर जा, करके दिखा जरा। क्या था दोबारा बताना? लंबी छलांग लगाने के लिए आदमी को चार कदम पीछे जाना पड़ता है। लंबी छलांग लगाने के लिए आदमी को चार कदम पीछे जाना पड़ता है। कमीज फटी है। पाठे कपड़े में किस तरह कह रहे हैं? लंबी छलांग लगाने के लिए आदमी को चार कदम। हाँ तो सीन है डायरेक्टर साहब, आपने खुद ही बोला आगे थोड़ी इज्जत। हीरो यार कोई उसकी इज्जत करो यार, या थोड़ी कर। अच्छी फिल्म बनानी है, अच्छी फिल्म ऐसे नहीं बन रही। ख्याली साहब यार तू लाइन ऐसी बना, वैसे लाइन मेरे को डेवलप कर थोड़ा।
देखो यार साड़ियां हिरमना नु की हो गया घरां च बैठियां ने अपनियां नुकरानियां नु भेज रहियां ने कि स्क्रिप्ट लैके आओ मतलब ए स्क्रिप्ट लैके जाणगियां ते ओ पढ़नगियां ते फिल्म स्वाद खाक बणेंगे ए गल नहीं ए स्क्रिप्ट नहीं लैण आईयां ए उहनां दी फिल्म पक्कियां कराण आईयां नहीं ते अपना ओ आप क्यों नहीं आईयां ओ बिजी ने घर बंदे आए ने लो ऑफिशियल करा रही सी ना बाजी की करा रही सी ऑफिशियल करा रही सी नहीं ऑफिशियल प्यारियां नु इत्थे लैके आ ओ कह रही सी कि उहनां जाके ना मीटिंग हो रही है मीटिंग मैं क्या तू भी नौकरानी हां जी वाह वाह मैं तो कहना जे काम वाली हो तुसी काम वाली मैं क्या हां खुदा दी कसम है अपने काम वाली ने ठीक है फिर उरली मेरी परली तेरी दे दियो बाजी घरां दे काम कर दियो मेरी मोहब्बत तो किसी की बीवी बन सकती है मगर किसी की मोहब्बत मेरी बीवी नहीं बन सकती ये गुनाह है कबीरा है कबीरा कैसे है खाल साहब आइए तुम्हीं कैसा ठीक है आप हाँ शुक्र अल्लाह का आप सुनाए कैसा जब फिल्म शुरू करेंगे ना जी फिर आपको बुलाएंगे मैं ये पाकिस्तान के नामवर अदाकार हैं नाराज काजी डायरेक्टर साहब मेरा क्या कहना है अभी अभी थोड़ी देर ठहर जाओ ना मैडम आप एक काम करें आप अपने घर में जाएं जाके उनको मैडमों को बोलें कि खुद आए आज हमने ना अपना अनाउंस कर लिया फिल्म तो उसमें तीनों का होना बहुत जरूरी है जी, जब जी. तक वो खुद नहीं होंगे इस तरह फिल्म का मजा ही नहीं आएगा तुहानू की पता लगा कि तुसी की करना उन्होंने पता लगा कि उन्होंने की करना जाके उन्होंने कहो कि ओपनिंग से तुम फोन करांगे तो सारे कास्ट ने इकट्ठे होना फिल्म की बकायदा ओपनिंग होगी मिठाई तकसीम होगी एडवांस दिते जाएंगे करैक्टर समझाए जाएंगे उसके बाद मुझे फिर डिसाइड करांगे असि हां ठीक है ना इस तरह नहीं देना असि हां इस तरह तुसी ना आवारागर्दी ना करो मैं क्या तुम्हारे वालिद साहब पायलट्स नहीं ते तुम्हारा तो जंगी जहाज की चुंज वर्गा मुंह वैसे गल की थी ओ तुम्हारे चलो ठीक ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਕਰਦੇ ਸਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਜਾਓ ਰਾਈਟ ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਆਟਾ ਕੌਣ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਸੀਨ ਹੈ ਕਿਆ ਤੂੰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹਦੇ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਜਿੱਡੇ ਬੁੱਲ ਨੇ तू तो लिखनी अगर इंप्रोवाइज क्यों नहीं करना खत्म खत्म फिल्म खत्म तंदूर की गल हुई तेरे मुंह ते पानी आना ही चलो फिर मैं जा रही हूं ठीक है मैं कह रही हूं गाड़ी ते पास ले तू सोच चुगलियां दी दिए नहीं ते तेरे वाला नु शॉट को भाई मेनू किदो काम मिलेगा की है तन्नू केड़ा काम है मेनू किदो काम मिलेगा यार मैं ते बैठ के थक गया कमरे विच उस कमरे नु भी ज्यादा लग गया जिथे बिठाया तुसी मेनू अच्छा हां अच्छा मेरी गल सुनो एक एक मेरी गल ध्यान च रखो देखो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर मोस्ट आदमी आप तुसी बैठे हो और खलोते तुसी इधर हो जाओ बैठी मेरी मोहब्बत तो किसी की बीवी बन सकती है मगर किसी की मोहब्बत मेरी बीवी नहीं बन सकती रवाज मुक गया ना डायलॉगों का जाओ उनको नवे बनावांगे ते दल लवांगे देख लेना देख लेना अच्छा काई साहब आप फिल्म में कैरेक्टर एक्टर करेंगे ठीक है हां हीरो की उम्र गुजर चुकी है हां अब आप कैरेक्टर एक्टर लगता मेनू आ ही रहा दफ्तर की हाल है जी तबीयत ओके और पुत्री आप ठीक है चौधरी साहब ये मसला की है साइकिल किराए ते देना तू नहीं सर नहीं तो फिर साइकिल खिला रहे क्यों
ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਰਲਾ ਪਰਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਢਾਉਣੀ ਆ ਚਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾ ਸਰ ਚੱਡਾ ਨਹੀਂ हीरो जनाब फिल्मां बनांदे माशाल्लाह साडे प्रोड्यूसर ने जी ऑफिस इन्हां दा जे हां जी फिल्म दी ना रिवाइवल दा ना अपना थोड़ा सोचिया जे के फिल्म ऑफ रिवाइवल होवे ताकि इस मुल्क दे विच भी इंडस्ट्री जड़ा ना अपने पैरां ते ओ मेनू तू तू कौन जी मैं डायरेक्टर हां डायरेक्टर अले फड फड़ो फड़ो मेरा पुत्तर टेंशन नहीं लेनी तुसी किस रखो रखो तुसी आरा बच्चिया मुंडा मेरा विच तुलना जां तुसी बस जो भी आ फिल्म जेड़ी हीरोइन जेड़ी मर्जी होवे मुंडा तुलना जां मेरा तां मैं दा फड़ो मेरी जिंदगी मुंडा मैं कहना मुंडा ऐसा है चिराग नूं औरत दिखाउण वाली गल आ मेरे मुंडे अगे बकवास है सारे चड्डा साहब मैं तेनू सही कह रहे रीस कर सकता क्यों जी ये तो सिर्फ कोर्ट का बटन खोल दे और डिग पैनिया ने मैं कहना एडा खूबसूरत मुंडा अच्छा जी ताडे सामने कभी सिर नहीं चुकेगा हो गया वाह वाह मड़का टुटा ताडे ज़ेहन छे हुण ताडे गंदे ज़ेहन लिया पैसे है जनाब मेरा मुंडा क्या बात है एक टाइम च दो दो किलो मेंगना कर देंदा मेंगना ताडे ज़ेहन छे होगा मसल के मेहुसन दा जस्मा है मेरा मुंडा अच्छा हिरवन तड़को किनिया कुड़ियां ने सर साडी जिहड़ी कहानी है ना जी असल च राइटर साहब ने एक कहानी लिखी तीन कुड़िया तीन कुड़िया बता लो मुंडा बहुत चीज बाती है कुड़िया बता लो छोटे ला देने जिंदगी हादसा हो गया सस ने समझिया कि मेरी नूह नूं किसी ने कॉल की थी तेदा किसी ना तालुक है एक मिनट ठहरो भाई अपनो पैसे मुंडा मेरा चंगा कुड़ी कुवारी पौनी तलाक आनी नहीं पौनी कुड़ी तू अपना घर नहीं बसा सकता
ਨੋ ਦੇਣਾ ਰੇ ਵਰਨਾ ਵਾਲਾ ਰੇ ਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਰੋ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਆ ਭਾਈ ਆਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠੀ ਮੁੱਠੀ ਹੁੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਯਾਰ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਨਾ ਫੜੀ ਹਿੰਮਤ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਜਾਏ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਸਾਰਡ ਹੋਵਾਂ ਮੈਂ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਮੈਂ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਕੋਈ ਐਸੀ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਟਾਨ ਬਣਾਂਗੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਫਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹਵਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਐਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬ ਇਹ ਫਿਲਮ ਈਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਨ ਕੀ ਮਦਰਸੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਬਲੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦੇ ਦੇ ਨੱਕ ਚੋਂ ਚੂਹਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਣੇ ਇਹ ਹੀਰੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਓ ਰਾਈਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕੀ ਪੀਣਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਏ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀ ਆਪਾਂ ਢਾਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬਗੈਰ ਤੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਹਾਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਫਿਲਮ ਬਸ ਠੀਕ ਹਾਏ ਸੁਣਾਓ ਜੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਏ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਓਏ ਝੂਠੀ ਸੁਣੋ ਜਿੰਦਾ ਚੌਰੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਾ ਰਹੀ ਅੱਛਾ ਅੱਗੋ 6 ਦਰਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਲ ਸਟੋਰੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦੇ ਜੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਖਸਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣਾ ਬਿਠਾਓ ਕਮਰੇ ਚ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਚੋਈ ਆ ਯਾਰ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਵੋ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਰਹਿ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾ ਮਾਂ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਆ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਆਸਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਠੀਕ ਆ ये अरबा की छोटी बहन है मरवा एक्सक्यूज मी अच्छा कैसे हैं आप बताएंगे आज फिल्म की ओपनिंग है हाँ हाँ ये ओह माय गॉड ओह माय गॉड हेलो जिथे फिल्म शुरू होनी ओदा वेखण वाली होनी है सालियां ने ओ लड़ना एक दूजे दे नाल आ फड़ो ए दोवें कुड़ियां मेरे मुंडे ने छड्डो आ ओए आओ 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 साते ले ले यार ए चौधरी साहब नु अंदर पाली यार ए की बदतमीजी है काई मुझे भी बुला लो हेलो ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ
जी कुड़ी हूं आई है फिल्म च ना पाना। वो क्यों? वो उधरों हीरो ने नजर ही नहीं आना, ये वजह तो तुम बाहर बोर्ड लाना हाउसफुल का। देखे वो राइटर आए हुए मेडिसिन मिल जाएगी, मुंडे मेरे को कमज हो गई है यार। हाँ जी, हेलो, की हाल है? हाय। पहले मिल पैक वाले ने डब्बे कटे सी, औरत ही काट दी उन्होंने। आप को बहुत मुबारक हो, आज आप लोगों को एडवांसेस भी मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप लोगों के साथ पेमेंट भी तय हो जाएगी कि मुझे पेमेंट क्या है, और उसके बाद हम आपके साथ वो सारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन करवा लेंगे आपसे कि पेमेंट आपको कैसे कैसे जाएगी, ठीक है? और सबसे पहले हम आपको जो है वो 25% देंगे, फिर उसके बाद आपको 50% दे देंगे शूटिंग में, फिर जब आपके सॉन्ग कम्प्लीट हो जाएगा 75% हो जाएगा, फिर बाकी जो 25% रह जाएगा वो डबिंग के बाद आपको मिलेगा। मुझे तो पेमेंट पहले चाहिए डबिंग से पहले। नहीं नहीं नहीं, फिर बाद में शादियां निकल आती है, ऐसे नहीं होता। मुझे एडवांस ही पेमेंट सारी कर दो, सारा कुछ मिल जाएगा, बस ऐस कमरे वाले नहीं जाना, उधर चौधरी खुला फिर डे है। चले आप मुझे ना हाफ पेमेंट पहले हाफ बाद। हाँ। अरे ये बाद में चीजें डिसाइड हो जाएंगी, आप मेरे साथ अंदर आइए। भाई डायरेक्टर साहब जी। हां जी हां जी। ओ चाय बनानी ही, पत्ती भी हैगी है, चूल्हा भी जल रहा हैगा, दूध नहीं मिल रहा फ्रिज तो। ओ यार कवो नु मुंडे नु। अच्छा हां जी, तो आप क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था कि पहले आप अपनी वन लाइन सुन लें, जी जी, आप अपना अपना रोल सुन लें, ओके, फिर उसके मुताबिक हम लोग शेड्यूल को आगे लेकर चलें। ओके, आप मेरे साथ हैं, एक-एक करके मैं गाने सुन रहा हूं। जी जी, हां जय जय प्लीज। बाजी जरा ध्यान ना, पल्ला कच्चियां जे। सर जूस ही मंगवा लें यार, आपको जूस की पड़ी है यार, क्या हो गया हमारे साथ? इतना टाइम हो गया, देखें मैं जूस नहीं मांगेगा आज तो बाद। एक सीन हो रहा है, वो सीन जे कत्ल होता है। यार प्लीज, मैंने नहीं सुननी भाई। ओके देखो, मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दिया टॉप हिरवना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਸਟੋਰੀ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਚੇਂਜ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦਾ ਲਿਖਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਵਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੀਨ ਲਿਖੇ, ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਕੇ ਫਿਲਮ ਕੇ ਸੀਨ ਦੇਖ ਕੇ परेशान हो जाए, परेशान हो जाए, हर बंदे को लगे उसके घर की स्टोरी है। डाकू वाला सीन अपने मामे से संभाला है यार, बिल्कुल ठीक। जरा सीन है मजबूर औरतों वाला, तीन औरतों की कहानी, वो मेरी लिखी है यार। ठीक है ठीक है, कुछ चेंज करें जरा अपनी राइटिंग में, चेंज आए कि तू इंज करी फिल्म च अपने अपने नु मामू कह ले, इना के चेंज काफी है। और जो लिखा होता राइटर ने उधर सेम चुंदा है, क्या सेम में होता है यार, कुछ अच्छा सेम लाए, अच्छी थॉट्स लाए। खान साहब जी, राणा साहब, इन लड़कियों में से मुझे लगता है कि एक ही काम करेगी। क्या मतलब? क्योंकि इन्हों का जरा सैट पर आके मिलन का होंगे ना तरीकाकार, वो बड़ा मुहब्बत वाला होंगे, जो आप रोल सुनाने ना उदो लड़ाइया पैनिया नसले च। बचाओ बचा था मेरे पीछे, डाकू पे आ जे, हाकू डाकू, हाकू डाकू, सारे मेरे पीछे पैगे ने काम कर लेंगे साले। तो आज मैं
ਜ਼ਰੂਰ ਲੁੱਟਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸ਼ੇਰਾ ਹੱਥ ਪਾ ਲਵੇ, ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆਦਮੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਤਾਰ ਤਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ, ਵੇ ਕੁਝ ਹੋਸ਼ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਭ ਮਰ ਗਈਆਂ ਨੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੇਲਾਂਗਾ ਬੱਲੋ। ਵੇ ਇੱਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੋ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਫੜੀ ਗਈ ਜੇ ਬਚਾਓ, ਸਕੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੈਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਸੇ ਲੱਗੇ? ਚੌਧਰੀ ਪਾਓ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ। ਫੜੋ ਪੈਸੇ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਸਿੱਧੀ ਕਰਾ, ਉੱਚੀ ਨੀਵੀ। ਹੈਲੋ 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 ਹੈਲੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੂ ਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਹੈਗੀ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਜੂਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਹੀ ਔਰਤ ਨੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਅਗਰ ਉੱਚੀ, ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਅਗਰ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀ ਜੰਮਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਆ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਜਰਾ ਰਾਈਟਰ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਕਾੜੇ ਫਾਕੇ ਪੈ ਗਏ ਤੈਨੂੰ, ਕਿ ਅੰਮੀ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਉੱਥੇ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿਕੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਯਾਰ। ਇਹ ਐਕਟਰ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਬਿਆਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਐਕਟਰ ਨੇ, ਐਕਟਰ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਔਰਤ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਖਾਲੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਏ ਜਾਨ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਦਾ, ਹਾਏ ਖੁਸਰਾ ਪਿਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿਰਵਨ ਤੇ ਪਾ ਦੇ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਵੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਨ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨੇ ਵਾਰੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੌਣ? ਸਲੀਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜ਼ਮਾਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਚ ਲੈ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਲਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ। ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਾਂ? ਆਹ ਮੁਰਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਲਣਾ ਯਾਰ ਇੱਧਰ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਿਖਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਆਪ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸਕੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ। ਆਪਕੀ ਸਾਸ ਨੇ
आपको फोन सुनते हुए देख लिया। ओके। उसके बाद उसने कहा कि तुम्हारा जो किसी बंदे के साथ ताल्लुक है। हाँ जी। आपने कहा मेरा किसी के साथ ताल्लुक नहीं, मैं इसको नहीं जानती। ओके। ये आप फोन अपने पास रख ले, फिर फोन आए तो आप खुद बात करें। ठीक है। आपकी सास ने आपको बालों से पकड़ के दरवाजे में फेंका, आपके शौहर ने आपको बालों से पकड़ा, उन्हें क्या खराब है, निकल जा मेरे घर चो बाहर, अपने घर गई है, तेरे भरावान ने तेरे मुंह से चपेड़ा मारिया ने कि तू बद चलन सी, तू इस घर च नहीं रह सकती। अच्छा। उस बाद तू डिसाइड हो गई। ओके। डिसाइड होके तू अपना बदला लेना से निकली। ओके। तू अपनी एक यूनियन बनाई है औरतां दी। ओके। जिथे जिथे इस तरह के कायर लोग होंगे, विलन लोग होंगे, तू उन्होंने जाके मर्डर करेगी। हाँ, उसे नाल तो अपना साइन छट के आया करेगी। ओके। ठीक है ना चुई एक बारी यह कुड़ी अपना साइन छट के आई है, साइन 6 साल का हो गया जे, और इस कुड़ी ते हुण जुलम कोई ना करे, इहदे सीने ते अगे बहुत बोझ आ। ए चौरी ये हन बड़े इसका माइन ना करिए। सारी बातें आपकी ठीक है। हाँ। पहले मेनू ए दसो कि मेरे नाल किसी कुड़ी दी ते कोई शूटिंग नहीं ना? लेकिन तुसी ते बड़ियां जपियां पा रही हो, तुहाडा तिन्नां दा रोल कठा ना। ठीक है जपियां पा रही हां, मगर इंज नहीं ना हुंदा, मैं कल्ली मेन ते नजर आनी चाहीदी। नहीं नहीं ते बाकी दो तेरे नाल होर ने ना, तीन कुड़ियां। नहीं नहीं मेरे नाल हर किसी का अपना अपना पार्ट है, समझाओ ना राणा साहब। हां जी मेरी तस्वीर भी वड्डी लानी है। हां मेन है, हां मेन है, आपके पीछे कोई भी खड़ी होगी नजर नहीं आएगी। तुहाडे ते बड़ा वधिया गाना तुहाडे ते। अच्छा हां केड़ा? तुहाडे ते गाना हैगा कि तुहाडा जिहड़ा हीरो है बाग च खलोता। ओके। ठीक है। उस तों बाद ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੌਂਗ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਓਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੋਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣਾ? ਓਏ ਤੁਹਾਡੇ 15 ਸੀਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਸੀਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਹੋ। ਓਕੇ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, अदाकार पावा एक सीन करके लंघ जाए पब्लिक नु याद रहंदा। मैडम जी एक जाती गल पूछनी जी, अगर गुस्सा ना करो कोई मेहरबानी है, पेंडू आदमी है। ए केड़ा पेट्रोल पंप जी तो तुसी हवावां भरोंदे जे? मामा साडियां हीरो ना धड़ोणियां ही इधरा ड्रिल करने लगे, ड्रिल करने लगे, ये आपका हीरो है। Okay. तो आप को ख्याल आया जी कि वो खेतों में बैठा है। Okay. आप उसके लिए खाना लेकर आई हो। Okay. खाना लेकर आई हो, उसके पास बैठी तो गाना आपका चलेगा। ठीक है, है? तीनों का जो है ना वो एक बदला है, बदला है लड़कियों का। ठीक है। ज्यादती हुई है। हाँ। उस जुल्म को मिटाने के लिए कि इसका कोई और शिकार ना हो। हाँ। आपने अजम लिया है कि हमने ऐसे लोगों को मार देना है। ठीक है, ये आपका कैरेक्टर है। आप मेरे कैरेक्टर के जोड़े उनका क्या कैरेक्टर है बाकी दोनों? यार तुझे अपना करो, तुझे दूसरे का क्यों डिस्कस करती हो? नहीं आप मुझे बताएं तो सही, उनका वो बड़ा कैरेक्टर ना ना उनसे बड़ा मतलब की है, वो अड्डी वाला देता हूं मैं। ओहो सर देखिए मेरी बात सुने, बस एक आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। हाँ। मेरी तस्वीर बड़ी लगानी उन दोनों से। 5000 के नोट से ला दें तेरी फोटो। ओ नहीं यार फिर इन्हें मूछा रखनी है पैड़ी। पागल हो ये। अच्छा चले गाने कितने मेरे? गाना तुम्हारा जो ना पंजाबी गाना मैं रखे। पंजाबी गाना? हाँ हीरो दे नाल तुहाडा गाना। ठीक है, तो हीरो तुहाडा अवॉइड कर रहा, थोड़ा इग्नोर कर रहा। ठीक है, तो ओदा मुंह फड़ फड़ के कह रहे कि तक वे बदामी नन्ना वा रहा। वाह हां यस चलो हैंडा नारा बस।
मेरे मुंडे ना फिर वही पैदा मेरी तो मेरी तो इतने वैसे नवा गाना भी बन सकता सी वो कौन सा दस वे पार्टी कमीज वाले आ राइटर साहब आप बैठ जाएं प्लीज वो वो आप ध्यान से सुनो जी आइए बंदा हां जी हां जी एक ऐसा रोल है कैसा रोल आपने वो फिल्म देखी थी नागन हां जिसमें वो अपना नागन बंदों को डसने के लिए जाती है जी जी ये उस तरह का रोल है अच्छा एक नागन टाइप है ठीक है बट है ये पॉजिटिव अच्छा मर्दों से बदला ले रही है घर से निकली है जहाँ जुल्म देखती है अच्छा। वहाँ पर इसको गुस्सा आता है इसके माथे पे एक पसीना आता है अच्छा। जब गुस्सा आता है तो बंदे को मार देती है अच्छा। बंदे को मारने के बाद अपना साइन वहाँ छोड़ करके चली जाती है फिर वहाँ से कहानी शुरू होती है कि ये कौन है अच्छा। जिसने ये बंदा मारा और साथ साथ इनके इश्क भी चल रहे हैं अच्छा। आपके ऊपर गाना भी है ठीक है ठीक है पसंद है आपको हाँ ठीक है लेकिन मैं कह रही हूँ कि देखना कुछ और अच्छा सा होना चाहिए इससे वो बहुत अच्छा होगा समझ रहे ना हाँ उन दोनों से आपका रोल अच्छा है हाँ, आपने ठीक कहा मैं ये कहना था हाँ तो आपका सॉन्ग भी आएगा अच्छा हीरो के साथ ठीक है हाँ और ये ऐसी नागन है कि ये डंग नहीं मारती अच्छा ये डेढ़ दो डंग निकालने जाती है मैं दिहाड़ी डंग नहीं मारती हाँ। चले सॉन्ग कौन सा है सॉन्ग हाँ। मैं बता रहा हूँ अभी मैं चला तो नहीं गया बताना कहा था इधर ही सॉन्ग का ही बताना भाई नो वरी अबाउट यार सॉन्ग का ही बताना कुछ और मत बताना ये कौन है ये आपका हीरो है तो ये हीरो है हाँ घबराओ ना उतने किट्ठे बांट लांगे दे हीरो है तो कमीज फटी हेलो ओके क्या चले तो पेमेंट लेनी है आपने इसके बालों की तारीफ करने के बालों पे रह गई हाँ कुंडल लाने बाला मार दिया क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो नाना साहब किसी तो मैं हीरवन और मैं तुम स्क्रीन दे उत्ते तुम दसांगा कि इस मुल्क की स्टार किसरा बनेगी वेल डन नाना साहब पहले कभी नहीं किया नहीं किया इन्होंने कदों किया सी गल तो ठीक है कौन मां दे पेट च सेकी आंदा सही कह रहे हो पहले स्टार सी हां तैनू बनावांगा मैं हीरवन तू करेगा फिल्म च काम हां हां ओ तेरे जे नाल सी ओ किथे ही ओ सुस जाई ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਸਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹਿਰਵਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਲਵਾਂਗਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਡਾਂਸ ਪਾਸ ਆਂਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹਿੱਲਣ ਦੀਆ ਹਾਂਜੀ ਇਧਰ ਆਓ ਮੈਂ ਆਪ ਲੋਣਾ ਇਧਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੀਰੋ ਮੈਂ ਹੂੰ ਲਾਲ ਰਾ ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਨਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਵਨ ਬਣਨਾ ਹਿਰਵਨ ਹਿਰਵਨ ਬਣਨਾ ਔਰ ਲਾ 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 ਲਾ
ਲਾ ਕੰਦਰਾ ਦੱਸ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵਜਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਰਵਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਭਾਂ ਛਾਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਸਰ ਬੁੱਢੂ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਹਿਰਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ तू अपनी अंग्रेजी बोलनी असि अपनी ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਘਰਾਂ ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ
ਕਰਦਾ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਕਿਸ ਗਏ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਆ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੱਸ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਗੈਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਹਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਫੜਾਉਂਦੀ ਏ ਉਹ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਚੂੰਡੀ ਵੱਢ ਦਿੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨੁਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਠੀਕ ਏ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਗਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪੂਰੇ ਕਰੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਠੀਕ ਏ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਖਰਾਬ ਏ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਯਤੀਮ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਧਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਫਿਲਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੰਨਤ ਤੇ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਜੰਨਤ ਦੋਜ਼ਖ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਅੰਜ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਵੇਖਿਆ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੇ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਬੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਾ ਬੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪ ਐਕਸਟਰਾ ਨੱਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਓ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਚਿੱਤਾ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋੜਾ ਪਿਆ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਅੰਦਰ ਆ ਓਏ ਕੀ ਹੈ ਓਏ ਆ ਗਈ ਬਾਥਰੂਮ ਚ ਗੀਜ਼ਰ ਲਵਾਓ ਮੇਰੀ ਡਿੱਗੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨ ਬਸ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਓਏ ਕੁੱਤੀ ਨਸਲ ਦਾ ਖਸੂਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਿਖਾਵਾ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਵੇ ਜ਼ਲੀਲਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਹੈਲੋ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨੀ ਆ ਝੂਠ ਬੋਲਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਲਾਂਤੀਆ ਕਮੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਜੰਮਿਆ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਲੀਲਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਤੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਡਈ ਚੂਰੀਆਂ ਗਗਰੀਆਂ ਮਰਾਸੀਆਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅੱਜ ਪਾਉਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਪਾਉਣਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਜੋ ਕਪੜੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਹੈਲੋ ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਿਆ ਬਣ ਚਲੇਗੀ ਆ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲੋ ਬਾਜੀ ਬਾਜੀ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਦੌੜ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਵਾਲੇ ਲੱਭਣ ਡੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਨੇ ਐ ਵਾਹ ਇਹ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਯੂ ਪਕਾਰ ਗੱਡੀ ਛੋਟੀ ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੈਲੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ ਫਰਮਾਈਏ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਮਾਰ ਪੈਣੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਨਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ ਬਾਜੀ ਐ ਸੋ ਜਾ ਨਾ ਬਾਜੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਦੇਗੇ ਬਾਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਭਰਨੇ ਦੇਗੇ ਨਹੀਂ ਡਿਗਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਿਉਂ ਤੇਰਾ ਠੱਪਾ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਜੁਗਲਾਈ ਮਤ ਕਰੇ ਯਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾ ਵੇਚਣੇ ਨੇ ਹੈਲੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਓ ਰੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਜਰਾ ਕੋਣਾ ਹੀ ਮੋਚ ਲਿਆ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਣ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਹੀਰਵਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਆ ਗਿੱਟ ਮੁੱਠੀਏ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਂ ਗਿੱਟ ਮੁੱਠੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਦਿਨ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਣਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹੀਰਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਾਸਣ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਲਾ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਖੁਸਰਾ ਸਹੀਆ ਕਸਮ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਝੱਗ ਵੀ ਬੋਤੀ ਹਲੋ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਮਤ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਖੁੱਲ ਗਈ ਨਾ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣਾ ਕੋ ਨਰਮ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਉਪਰ
यार क्या हो रहा है बोलो कुत्ते ने बच्चे मैं दफ्तर भेज दवांगा। मैं पैडल को